ट्रेलर देख के आधे लोग सोच रहे हैं कि भाई अपना सर पीटू क्योंकि आदि पुरुष में लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं अपने टीटू वाकई में इतने सैड लक्ष्मण मैंने पहली बार देखे हैं हाँ। और दूसरा प्रभास एज राम रॉन्ग चॉइस क्यों जिस तरीके से राम लगने चाहिए हमारे दिमाग में है राम की छवि वो बिल्कुल भी प्रभास मैच नहीं कर पा रहे मतलब देखो आ, प्रभास अगर मैं टीटू वो, वो तो टी, टी टी के नाम से ही जानते हो उनको सनी सिंह के नाम से तो नहीं कोई प्रचान <laughs> प्रचान सनी सिंह कौन है तो भाई वो उनका एक डायलॉग आता है पूरे ट्रेलर के अंदर और वो ऐसा लग रहा है कोई पंजाबी टोन में बोल रहे हैं तो बहुत हाँ। बिल्कुल मतलब दाता दाता क्या हो गया है तो बीवी तो 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 नु ले गए <laughs> मतलब ऐसा नहीं है अपमान अपमानजनक बातें नहीं है देखो यार रामायण जो है उन, उनकी बहुत पूरी बिल्कुल इज्जत करते हैं रामायण बिल्कुल माइथोलॉजी है इंडियन माइथोलॉजी है लेकिन उसकी जो डिपिक्शन बनाते हैं यार रामानंद सागर जी ने इतने सालों पहले जो वो आई थी रामायण जिसके अंदर कितनी बढ़िया वो उसकी पिक्चराइजेशन थी अरुण गोविल जो लगते हैं कि वो राम है मतलब मेरे नाम है अगर राम सुनाई दिया तो फिर अरुण गोविल की शक्ल मेरे दिमाग में मेरे को भी आज तक उनका नाम नहीं पता गोविल। मैंने बताया ना? ये कौन है ये राम जी है हमें कैसा लगा बढ़िया या घटिया आज हम उसी के बारे में बात करेंगे तो भाई पहले आदि पुरुष बनी गई थी 500 करोड़ में 500, 500 करोड़ की करोड़ बात हो रही थी। <laughs> थी। और इतने काफी टाइम पहले ऑलमोस्ट एक साल हो गया उसके ट्रेलर को आए हुए जिसमें लोग कह रहे थे भाई आया था और वो टीजर इतना भयानक मतलब इतना घटिया कि हमने तो हार्पिक से अपनी आंखें धोई थी उसके बाद और लोग ऐसे बेचारे ये हो गए थे कि प्रमोशन कर दे तू पहले हार्पिक ले और लाइजोल भी ले टॉयलेट का हमारे दिमाग है। ये मार्केटिंग है जैसे कि अब मार्केटिंग इन्होंने की आधे पुरुष वालों ने कि छह महीने ले लिए और एक्स्ट्रा सौ करोड़ लगा लिया और उसके बाद हमें दिखाया क्या फिल्टर लगाओ <laughs> जैसे इंस्टाग्राम के

से हटाया है ना बाबा अभी तो पिक्चर बाकी है मैं तो ये सोच रही हूँ कि चलो ट्रेलर में आप खेल गए लेकिन खेल गए? आ,

पागल ज्यादा लोग नहीं बन सकते भाई मुझे तो मेरे को तो अच्छा लगा ट्रेलर हाँ देखो पता नहीं क्या दर, क्या अच्छे यार लगते देखो हैं। कुछ अच्छी लगती तो... अच्छी नहीं लगती इससे मुझे साफ पता चलता है कि तेरा टेस्ट काफी बेकार है क्योंकि तू तो पहचान नहीं पाए। रामायण को गंदा बोल रही है ये लड़की आप ध्यान से देखिए इस वीडियो के अंदर ये मैंने सच, मैं सच इसलिए बोल रही थी क्योंकि मुझे मैं वाकई में कनेक्ट नहीं कर पाई राम से जो कैरेक्टर इन्होंने लिए है इसमें प्रभा सीता इनफैक्ट हनुमान जी का भी रोल में क्या कमी है क्यों सीता मानी लग रही हो नहीं पर नहीं मैं वो कनेक्ट नहीं कर पाई मुझे नहीं लगा और बहुत से मेरे साथ मैं बना लेते सीता नहीं मेरे साथ बहुत सारे चाहिए था जो ऑडिशन करने गई थी है वहाँ पे कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर पा रहे वो इमोशनल कनेक्ट नहीं बिठा पा रहे तो मेरे हिसाब से वो कैरेक्टर जो મે બેઠા પા રહે નહીં મુજે નહીં લગા તું બઠા પા રહે હું મેં બતા રહા હું યે સીધા માકે રોલ કે ઓડિશન કે લિયે ગઈ થી ઇસકો નહીં મિલા ફિર એન્ડ મે યે જહા તક પહોંચી થી વો થા ફાઇનલ રાઉન્ડ કિસકા શૂર્પના કા ખاں યહા પે નાક કટવાની કેહ રહે નહીં આપકી નાક બહોત છોટી હે તો શૂર્પના ભી નહીં લે પા ઇનકો તો ઇસલિયે રાક્ષસ સે ભી રિજેક્ટ હો ગય ઇસલિયે ઇતના હીટરેટ ફેલા રહી હે એસા કોઈ ગંદા નહીં હે ટ્રેલર નોર કર સકતે હો મે બિલકુલ ઇસ તરીકે સે જૈસે મેને ટીઝર કો ઇગનોર કર દિયા થા કે ચલો ठीक है हो गई गलती निपटाओ से ऐसे ही मैं इसको लेकिन टीजर कर के बाद आने से ट्रेलर तक इतना चेंज आया है कि जब टीजर आया था तब सारे लोग कह रहे थे यार ये क्या नकली है ये क्या इसमें क्या मतलब इतनी बड़ी माइथोलॉजी को आप क्या दिखा रहे हो लेकिन अब जब ट्रेलर आया और वो जो द, सौ दो सौ करोड़ रुपए जो फालतू लगे हैं उसमें कुछ वी एफ एक्स है जो कि अच्छे लग रहे हैं और अब वो थोड़ी स्टोरी लाइन की तरह दिखाया जा रहा है कि एंड में जब सैफ अली खान वो बाबा वाले रूप में आते हैं वो वहां से निकलती है एक अलग सी वो एनिमेशन सी होती है वो अच्छी लग रही है अब मुझे लग रहा है लिटरली वो ब्रह्मास्त्र वालों से कॉल किया

है उसको बढ़ा के आगे कर दिया क्योंकि आदि पुरुष आ रही है इस वजह से पहले मुझे भी ऐसा लगा था मैंने भी अपना शक जताया था लेकिन इससे बड़ा सीन है कुछ क्या सीन है क्योंकि सितंबर में एक और बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है वो भी प्रभास की है और वो भी पैन इंडिया फिल्म है, है और वो भी बड़े लेवल की है एंड दैट इज अरे देवा ये गड़बड़ है क्या क्या गड़बड़ है सालार सालार रिलीज होने वाली है सालार

मैं जो राम की छवि हमारे दिमाग में है वो राम बहुत शांत और इस तरीके से लगने वाले थे लेकिन यहाँ पर आपको ऑडिशन का चेक करें इसलिए कनेक्ट नहीं, नहीं, नहीं हो पा रही बाकी पूरी जनता जो है वो कनेक्ट कर पा रही है लेकिन अगर आप बताइए यार आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि ये जो कास्ट है कि सैफ अली खान है रावण और प्रभास है और सीता आ, सानना, सानना सीता आपको ये जो सारा कास्ट है वो कैसा लगा और जो अब एक नया ट्रेलर आया पिछले जो टीजर के मुताबिक वो उसमें ज्यादा वी अच्छे है और वो आपको कैसा लगा और आपको लग रहा है आदि पुरुष ये जो है ये बढ़िया धंधा करेगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्योंकि भगवान छह सौ करोड़ मतलब जो इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है उसको कवर कर पाएगी या नहीं और ये जो पूरा का पूरा बनाया गया कलर ग्रेडिंग चेंज करके वो आपको कितना अच्छा लगा है वो सब हमें कमेंट करके बताएं बाकी भाई हम आपके लिए एंटरटेनमेंट लाते रहेंगे आप अनकट को फॉलो कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए हर जगह पे मेरा नाम है प्रशांत कपूर और मेरा नाम है साक्षी आप देख रहे हैं अनकट